हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी एंड आई एम विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं इस बुक का फिफ्थ चैप्टर, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो आपको पता है बच्चों कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सिंगुलर होता है बच्चों जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, और प्लूरल होता है जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए आज हम सीखते हैं इसे। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ सिंगल पर्सन, जो एक सिंगल पर्सन की बात हो रही हो, प्लेस की, एनिमल या चीज की, उसे हम कहते हैं सिंगुलर। जैसे हॉर्स, बॉय, गर्ल, कार, एक्सेट्रा। ओके, और नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा चीज, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा प्लेसेस की बात हो रही हो, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल नाउन। जैसे हॉर्स का हो जाता है हॉर्सेस, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, और कार का कार्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सो, अब आपको पता चल गया बच्चों क्या होता है सिंगुलर। जब हम एक चीज की बात करते हैं वो होती है सिंगुलर, और एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वो होता है प्लूरल। ओके, सो यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। सो सिंपल, हम एंड में, वर्ड के एंड में एस ऐड करते हैं, जैसे कि मैट का मैट्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर, टेल टेल्स। ओके, कई बार हम वर्ड के एंड में ई एस भी ऐड करते हैं, जैसे बफलो का बफेलोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज। ठीक है, और कई बार हम वर्ड में एफ वाई दिया होता है, उस वाई को हटा देते हैं और ऐड करते हैं आई ई एस। हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? आगे जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि हम इन्हें कैसे लिखते हैं। ओके, बेबी में से वाई हटाया, बेबीज, कॉपी का हो गया कॉपीज, फेरी फेरीज, स्टोरी स्टोरीज, लोरी लोरीज, एंड लेडी लेडीज। ओके, सो हम इस तरीके से इन्हें प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आपको याद रखना है बच्चों, अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंगुलर नाउन क्या होता है? एक पर्सन की बात हो रही हो, एक एनिमल, एक चीज की या किसी एक जगह की। और प्लूरल नाउन्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर आइडिया। ओके, सो अब मोस्ट सिंगुलर नाउन, जो बहुत ज्यादा ज्यादातर जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनमें एंड में एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए ज्यादातर। ठीक है, कुछ में ई एस लगता है, कुछ में आई ई एस भी लगता है, आगे आपको और ज्यादा पता चलेगा। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। ये अंडरलाइन नाउन्स हैं, इनकी हमें प्लूरल फॉर्म बतानी है। मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। ओके, आपको दूसरे नेसेसरी चेंजेस क्या करने हैं? अब प्लूरल नाउन के लिए तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उस इस की जगह आर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पुट द बॉल्स इन द बैग। ओके, पुट द बॉल्स, प्लूरल में हम इसे बॉल्स कर देंगे, इन द बैग्स। ओके, सेकंड देखते हैं। द लायंस चेस्ड अ डियर, सेम रहता है, डियर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर हम सिंगुलर में डियर लिखते हैं तो हम प्लूरल में भी क्या लिखेंगे? डियर ही लिखेंगे, और यहाँ से ए हट जाएगा बिकॉज अब बहुत सारे डियर की बात हो रही है। सो द लायंस चेज डियर। ओके, द बुक्स, बुक्स इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों? आर ऑन द टेबल्स, द बुक्स आर ऑन द टेबल्स। बेबी, अब बेबी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ए बी आई ई एस, द बेबीज इस हट जाएगा और आ जाएगा आर, लिसनिंग टू ए हट जाएगा और स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। राइट, कैन यू सी हियर? द बेबीज आर लिसनिंग टू स्टोरीज। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्स इस हट जाएगा, आर हो जाएगा ट्विंकलिंग इन स्काइज। ओके, इस तरह से द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन
skies. Men. अब men का क्या हो जाता है बच्चों? Men का हमेशा बनता है men. ये याद रखना है आपको, men's नहीं होगा, men's गलत हो जाएगा. M-A-N सिंगुलर है, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल. ओके, तो यहाँ पर हम इसे ई कर देंगे. द मेन रन आफ्टर बसेस. ओके, चलिए आगे चलते हैं. द थीफ, थीफ का हो जाता है थीव्स. द थीव्स गॉट इनटू हाउसेस. ओके, द फार्मर्स गॉट, माउस का हो जाता है बच्चों माइस. ओके, तो माउस का क्या हो जाएगा? माइस. ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर. ओके, सो कुछ आपको वर्ड्स लर्न भी करने होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स. करेक्ट फॉर्म में भरना है आपको, चेंजेस सेंटेंस में नहीं होने हैं. अगर ये करेक्ट है तो आप एज इट इज भर दोगे, अदरवाइज आप उनको चेंज कर लोगे. अब टू मैन, मैन तो नहीं आएगा, टू है तो ये हो जाएगा men. Two men are walking on the pavement because हम दो आदमियों की बात कर रहे हैं. I brush my tooth is a singular. ये singular noun है और इसका plural होगा teeth. I brush my teeth daily. There is a mouse. Yes, ये as it is आ जाएगा यहाँ पर. ये ठीक लिखा है because mouse singular है और हम यहाँ पर a लगा रहे हैं, हमें singular की ही बात करनी है. तो there is a mouse. The pair of dash is cackling in the yard. The pair of goose. Okay? Because जब भी हम collective noun की बात करते हैं, अब pair आ गया, तो वो singular में ही लिखा जाता है, तो goose ही आएगा. The child is sticking. Child का child ही आ जाएगा, because is है यहाँ पर, हमें singular ही दिखाना है, right? Is है ना यहाँ पर, और हमें singular ही show करना है, तो ये as it is आएगा. The dash is late. Is है तो train ही आएगा. Are होता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, हम लिख देते trains. अब आएगा train. Okay? Mother bought dash from the market. अब एक mango तो नहीं लाएंगी ना, तो mangoes. यहाँ पर हम लिख देंगे mangoes. E-S at the end. ठीक है? So please do this exercise. चलिए हम आगे चलते हैं. I hope कि ये आपको समझ आ रही होंगी. अब हमने इन nouns को प्लूरल में चेंज करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. आप मेरे साथ साथ ही लिख सकते हो बच्चों. टोमैटो, टोमैटो का क्या हो जाएगा? टोमैटोज. बेबी, बेबीज. ओके, वाइफ, वाइव्स. बैच, batches. City, cities. Dog, dogs. Right? Mango, mangoes. ES head हो जाएगा. Orange, oranges. Okay? Story, stories. Right? So इस तरह से ऑरेंजेस में थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ आपके लिए. ऑरेंजेस. ओके, सो इस तरह से इनके हम प्लूरल नाउन्स बना लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज. राइट एस इन द बॉक्स आफ्टर सिंगुलर एंड पी इन द बॉक्स आफ्टर each plural noun. Okay, so S लिखना है हमने singular के लिए. Our teacher. अब ये teacher है, teachers तो नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? Singular noun. तो हम यहाँ पर लिख देंगे S. Okay, is a very nice lady. तो ये भी S है. Okay, so she is very kind to all the children. अब children क्या है यहाँ पर? Plural. So यहाँ पर लिख देंगे आप P. Okay, in the class. Class singular noun है. And she tells very funny stories. Stories plural. Okay? Yesterday she told a story singular about the animals on a farm. So singular. They all had race.
रेस भी सिंगुलर होगा. द पिग्स एंड शीप रन फास्टर देन द डक्स एंड काउज. ये सारे एनिमल, शीप भी बच्चों सेम ही रहता है. ओके, शीप सेम रहेगा, सिंगुलर प्लूरल. ओके, जैसे डियर सेम रहता है ऐसे शीप भी सेम रहता है. बट द हीरोज, ये भी प्लूरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी इज सिंगुलर. बट द माइस, माइस इज द प्लूरल नाउन ऑफ माउस, ये भी प्लूरल नाउन है. राइट, दे वर फास्टर देन ऑल द अदर एनिमल्स इवन दो दे हैड द शॉर्टेस्ट लेग्स. अब लेग्स आ गया, दोनों टांगों की बात हो रही है. ओके, तो यहाँ पर ये है प्लूरल. राइट, सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. नाउ वी गो अहेड. यस, दिस इज अ कॉम्पोजिशन टॉपिक चिल्ड्रन फ्रॉम योर बुक ग्रामर गेटर गोदी सी बाय ग्रीन रूट सीरीज. ये आपका एक कॉम्पोजिशन टॉपिक है, पैराग्राफ राइटिंग. सो आपको बच्चों आगे चल के पैराग्राफ्स लिखने होंगे. पैराग्राफ होता क्या है पहले तो मैं आपको बताती हूँ. जैसे सेंटेंस होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे पैराग्राफ होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. जब हम कुछ सेंटेंसेस को मिला के 8, 10, 5, 6, 8, 10 सेंटेंसेस को मिला के कुछ लिखते हैं तो वो होता है पैराग्राफ. अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच टेल्स अस अबाउट अ प्लेस, पर्सन और अबाउट समथिंग दैट जो हमें किसी इंसान के बारे में बताता है या किसी जगह के बारे में या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में जो हमारे साथ हुआ हो. ओके, कि क्या हुआ, हम पैराग्राफ के थ्रू ये सब बता सकते हैं. ओके, सो अब इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है जब भी आप एक पैराग्राफ लिखते हो. ओके, सो आपको सबसे पहले उन आइडियाज को सोचना है कि आप क्या चीजें लिखना चाहते हो, और जितना भी आप लिखना चाहते हो ना, जो भी आप बताना चाहते हो उसे आप ब्रीफ में बताओगे. ब्रीफ मतलब कम शब्दों में, छोटे करके, मतलब ज्यादा बात को खींचना नहीं है, ब्रीफ में बताना है. टू द पॉइंट बात करनी है, जितना जरूरी है बच्चों उतना ही बताना है. राइट, नेक्स्ट, द फर्स्ट टू सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ शुड से व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट. जो पहले दो सेंटेंसेस आप पैराग्राफ में लिखोगे उनसे बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में. ओके, ऐसा नहीं हो आप लिखते जाए और पता ही नहीं चले कि आप किसके बारे में लिख रहे हो. ओके, गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ. द टाइटल शुड से व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट. आप अपने पैराग्राफ को एक टाइटल दो, मतलब एक उसको नाम दो. जैसे हर स्टोरी का एक नेम होता है ना, इसी तरह से आप अपने पैराग्राफ को भी नाम दो. अब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे अभी हमने चैप्टर पढ़ा सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल क्या था, उसका नाम था चैप्टर का. इसी तरह से आप भी अपने पैराग्राफ को कोई टाइटल दो, और टाइटल से भी पता होना चल जाना चाहिए कि पैराग्राफ आप किसके बारे में लिख रहे हैं. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. सो अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए बच्चों. सबसे पहले आपने सोचना है आपने किसके बारे में लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं. जो भी पॉइंट्स लिखने हैं उन्हें ब्रीफ में लिखना है, ज्यादा खींच के नहीं लिखना. पहली दो लाइन से पता चल जाना चाहिए कि पैराग्राफ किसके बारे में लिख रहे हो आप. प्लस आपको अपने पैराग्राफ को कोई टाइटल देना है, उसको कोई नाम देना है, और उस नाम से भी क्लियर होना चाहिए कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है. जैसे ये यहाँ पर है माई फेवरेट टॉय, मेरा फेवरेट टॉय. तो आपको पता चल रहा है ना बच्चों के पैराग्राफ अब किसके बारे में है, माई फेवरेट टॉय के बारे में है. चलिए हम पढ़ते हैं. माई फेवरेट टॉय इज अ ट्रेन सेट. क्या है उसका फेवरेट टॉय, एक ट्रेन सेट. माई फादर गेव इट टू मी ऑन माई 8th बर्थडे. कब दिया था मेरे फादर ने, मेरे फादर ने ये मुझे 8th बर्थडे पे दिया था. इट हैज अ ट्रेन विद 5 बोगीज, इसमें 5 बोगीज है. एक बड़ा ट्रैक है इन द शेप ऑफ नंबर 8 नंबर की शेप में एक बड़ा ट्रैक है. और 3 टनल्स भी है बीच में. राइट, 3 टनल्स हैं. इट वर्क्स विद अ बैटरी, ये बैटरी से चलती है. विच गोज इनटू द इंजन, जो कि कहाँ लगती है, इंजन में. इट इवन मेक्स अ विस्लिंग साउंड लाइक अ रियल ट्रेन, ये एक रियल ट्रेन की तरह विस्लिंग साउंड भी करती है. जैसे ट्रेन की विसल बजती है ना, ऐसे इसमें भी बजती है. द लाइट्स ऑफ द ट्रेन ऑल्सो ब्लिंक व्हेन इट मूव्स, जब ये चलती है तो ट्रेन की लाइट्स भी ब्लिंक करती है. ओके, माई फ्रेंड नेहा एंड आई बिल्ड द ट्रेन ट्रैक.
मेरी फ्रेंड नेहा और मैंने ट्रेन का ट्रैक बनाया. वी पुट टुगेदर द 16 पीसेस दैट मेक इट अप. इसे बनाने के लिए हमने एक साथ 16 पीसेस को जोड़ा. वी हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट. हमें इसे करने में बहुत मजा आया. नाउ वी सेट अप द ट्रैक्स. हमने सेट कर दिया है एंड प्ले विद द सेट एवरी संडे. हम कब खेलते हैं इसके साथ? हम हर संडे इसके साथ खेलते हैं. तो देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में उसने अपने टॉय के अलावा और कोई भी बात नहीं करी. टॉय किसने दिया, टॉय वो किसके साथ खेलता है, कब खेलता है और उस टॉय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसे करने में उसे मजा आया, सिर्फ इतना ही बताया. ओके, सो इसी तरह से बच्चों आप भी पैराग्राफ लिख सकते हो. ओके, सो नाउ राइट पैराग्राफ्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स यूजिंग द गिवन सजेशन. अ फैमिली डे. आपको अपनी एक फैमिली के डे के बारे में लिखना है. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई आउटिंग की हो उसके बारे में आप लिख सकते हो. और आपको क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? वेयर यू वेंट, कहाँ गए आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. एनी स्पेशल थिंग अबाउट द प्लेस, तो जहाँ आप गए उसके बारे में कोई स्पेशल बात हो आप वो भी बता सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर, आप कितने लोग वहां पर गए. ठीक है, व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर आउटिंग, आपको अपनी आउटिंग के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई, आपको क्या अच्छा लगा उस आउटिंग को करके. एंड व्हाट यू डिड देयर, और आपने वहां पर क्या किया. ओके, और आप इसको टाइटल भी दे सकते हो बच्चों, एन आउटिंग विद माय पेरेंट्स या फिर माय फैमिली आउटिंग डे, कुछ भी टाइटल आप दे सकते हो जिसको पढ़ के पता चल जाए कि पैराग्राफ किसके बारे में है. ओके बच्चों, सो प्लीज राइट दीज पैराग्राफ्स. ओके, एक आपका है अ फैमिली डे और एक राइट एन आउटिंग, राइट अबाउट एन आउटिंग विद योर पेरेंट्स. सो आपको ये पैराग्राफ लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से पैराग्राफ लिखना सीख सकोगे. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, टाइटल देना है, ब्रीफ में अपने पॉइंट्स कहने हैं और आपके पैराग्राफ को पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो प्लीज डू दिस टास्क. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.